أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome back students Assalamu alaikum How are you all? I hope you all are fine and doing well Behriya Model School Montessori Wing I'm your teacher Miss Samreen I will teach you English बच्चों आपको पता है एक वायरस जो आजकल बहुत फैला हुआ है जिसका नाम कोरोना वायरस है आपको पता है आपको इस वायरस से किस तरह अपनी हिफाजत करनी है जी हाँ बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि टीचर बैठी हैं साथ बच्चे भी बैठे हैं इन सब ने मास्क पहना हुआ है तो बेटा आप लोगों ने भी जहाँ कहीं भी आप लोग जाएँ तो आप लोगों ने मास्क ज़रूरी पहनना है और आप घर में अपनी किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं एक पिक्चर में एक बच्चा है हैंड वॉश कर रहा है और लेफ़्ट साइड पे हैंड वॉश बना है जो वायरस को किल कर रहा है तो बेटा आप लोग जितनी मर्तबा अपने हैंड वॉश करेंगे आपके हाथों में जो भी जर्म्स होंगे वो हाथ धोने से आपके जरासीम मर जाएंगे तो इससे आप होगा ये कि आप अपनी हिफाजत ठीक तरह से कर सकते हैं वीक टू लेक्चर नंबर 3 ये आप लोग की इंग्लिश की ब्रॉडवे बुक है कोर्स बुक बेटा ये आप लोग का प्रीवियस वर्क है पेज नंबर 13 और 14 ऑफ कोर्स बुक जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था करने को मगर आप बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ये काम मुझे करके सेंड नहीं किया तो बेटा आप लोग ये काम करके मुझे सेंड करेंगे पेज नंबर 13 और 14 ठीक है जिन बच्चों ने कर लिया है वो भी सेंड कर दीजिएगा और जिन बच्चों ने नहीं किया वो अब दोबारा से ये काम करके मुझे सेंड कर दें ठीक है नाउ ओपन पेज नंबर 15 ऑफ कोर्स बुक तमाम बच्चे अपनी बुक खोल लें ये मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ और सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले आपने ये करना है राइट साइड पे CW लिखना है और लेफ्ट साइड पे आपने डेट डालनी है ठीक है अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ रीड रिविजन टू द टॉफी रीड द स्टोरी लुक एट द बॉटल बॉटल की तरफ देखें लुक एट द टॉफी टॉफी की तरफ देखें द टॉफी इज़ इन द बॉटल टॉफी बॉटल के अंदर है यहाँ पे बॉटल बनी है उसके अंदर एक टॉफी पड़ी है आप लोग को नज़र आ रही है एन एंट सीज द टॉफी चूंटी टॉफी की तरफ देखती है लेफ्ट साइड पे बोतल में आप देखिए टॉफी पड़ी है और चूंटी टॉफी की तरफ देख रही है ही क्लाइम्स इन टू द बोतल वो बोतल के अंदर चढ़ती है लॉट्स ऑफ एंट सीज द टॉफी बहुत सारी चूंटियाँ टॉफी को देखती हैं और टॉफी की तरफ दे क्लाइम इन टू द बॉटल और बॉटल की तरफ चढ़ती हैं अनीता कम्स शी लुक्स इन द बॉटल अनीता आती है और वो बॉटल की तरफ देखती है इट इज़ एम्प्टी शी सेज वो कहती है ये खाली है वेयर इज़ माई टॉफी मेरी टॉफी कहाँ है बेटा ये ट्रांसलेशन के साथ था अब मैं दोबारा एक मरतबा रीड करने लगी हूँ अब सुनेंगे लुक एट द बॉटल लुक एट द टॉफी इज इन द बॉटल एन एंट सीज द टॉफी ही क्लाइम्स इन टू द बॉटल लॉट्स ऑफ एंट सीज द टॉफी दे क्लाइम इन टू द बॉटल अनीता कम्स शी लुक्स इन द बॉटल इट is empty she says where is my toffee now open page number 16 and 17 of course book this is page number 16
ये बच्चों आप लोग का होमवर्क है। आप लोगों ने राइट साइड पे होमवर्क लिखना है, लेफ्ट साइड पे डेट लिखनी है, और हर पेज पे जो भी आप होमवर्क करेंगे अपना नेम ज़रूर मेंशन करना है। नेम इसलिए मेंशन करना है, जब आप लोग काम अपना वर्क सेंड करेंगे होमवर्क, तो उसमें चेकिंग करने में बहुत आसानी होगी, पता चलेगा कि कौन सा काम किस बच्चे का है। ओके, नाउ कम ऑन द पॉइंट नंबर वन। राइट अ वर्ड इंस्टेड ऑफ द पिक्चर टू मेक सेंटेंसेस अबाउट द स्टोरी वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बेटा यहाँ पे ये बताया गया है कि जहाँ जहाँ पिक्चर्स यूज़ की गई हैं, पिक्चर की जगह आपने वर्ड लिखना है। नंबर ए आप देखें, ये सॉल्व हुआ हुआ है। ए दिस इज़ आ, आप देखिए यहाँ पे बॉटल बनी हुई है, और आगे देखिए ये सॉल्व हुआ हुआ है दिस इज़ आ, यहाँ पे ना बॉटल नहीं बनी हुई, बॉटल की जो जगह है वहाँ पे बॉटल लिखा हुआ है। तो अभी नीचे भी आप लोगों ने इसी तरह करना है, बी सी डी ई में भी, ठीक है। नाउ कम ऑन द पॉइंट नंबर थ्री। राइट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स अंडर ईच पिक्चर। यहाँ पे जितने भी बॉक्स में वर्ड वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपने उठा के हर पिक्चर के नीचे लिखने हैं, ठीक है। कॉफ़ी, टॉफी, बॉटल, टिन, आंट, अनीता, फुल, एम्प्टी, स्पाइडर, अली, ये सारे वर्ड आपने इन पिक्चर्स के नीचे लिखने हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 17। ये भी आप लोग का होमवर्क है। राइट साइड पे आप HW लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे आप डेट लिखेंगे, सेंटर में अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में आपको पढ़ के सुना रही हूँ, सुनिए। चेंज अ लेटर टू चेंज ए टू बी वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे ए को हमने बी में चेंज करना है, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखिए, सी लिखा हुआ है कॉफ़ी का, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है, अब आगे बी में देखिए सिर्फ सी की जगह टी आ गया, तो ये कॉफ़ी था तो क्या बन गया? टॉफ़ी। इसी तरह से नीचे बॉय दिया हुआ है, वॉल, लॉग, कैट, तो इन चारों को आपने चेंज करना है इन पिक्चर्स को देखते हुए, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, साफ़ सुथरा काम करना है, और काम करने के बाद आप लोग मुझे अपना काम सेंड कर देंगे, ठीक है। और फिर मैं आप लोग का काम चेक करके आप लोग को सेंड करूँगी, और जो जितना अच्छा काम करेगा उसे इतने ही अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।